भी लगातार जारी है। कानून तोड़ने वालों पर एक्शन हुआ है। नर्मदापुरम में निगम का बुलडोजर चला, रेत माफिया पर प्रशासन का बुलडोजर दौड़ा है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई, अफसरों पर पथराव करने वालों पर एक्शन हुआ है। नर्मदापुरम का यह मामला जो कि बीते दिनों सामने आया, आपको बताएं कि देर रात की घटना थी जिसमें प्रशासनिक अमले पर ही पथराव कर दिया गया। मेहराघाट में आरोपियों पर अवैध रूप से बनाए गए कब्जे को ढहाने की कार्रवाई हुई है। एक बड़े स्तर पर एक कार्रवाई मध्य प्रदेश में चलनी भी चाहिए, क्योंकि इससे पहले तमाम ऐसे मामले आपने देखे जिसमें प्रशासन अगर कार्रवाई के लिए पहुंचता है तो माफिया हमला कर देते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में बुलडोजर एक्शन भी दूसरी तरफ चल रहा है। रेत माफिया में खौफ पैदा करना, ये एक बड़ा मकसद। अवैध निर्माण पर फिलहाल बुलडोजर कार्रवाई हुई है, अफसरों पर पथराव हुआ था, उसके बाद ये कड़ा एक्शन। मेहरा घाट में आरोपियों के अवैध कब्जे को ढहाया गया। मध्य प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई लगातार जोर पकड़ती हुई, अलग अलग इलाके जहां पर आप देखेंगे कि बुलडोजर एक्शन मोड में है, सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है, और अगर अपराधी सर उठाने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई में बिल्कुल देरी नहीं होती। नर्मदापुरम की ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस प्रकार बुलडोजर एक्शन अलग अलग जिलों में चल रहा है। रेत माफिया जो बेखौफ होकर अवैध खनन को अंजाम दे रहे थे, प्रशासनिक अमला पहुंचता है रोक लगाने के लिए, लेकिन उस टीम पर भी पथराव किया जाता है। इसी के जवाब में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की, अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए इस निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। नर्मदापुरम की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, निगम का अमला मौजूद रहा, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में इस निर्माण को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई की तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में बुलडोजर एक्शन एक बार फिर से जोर पकड़ता हुआ, रेत माफिया के खिलाफ फिलहाल कार्रवाई की तस्वीरें। अफसर पहुंचे थे यहां पर माफिया पर एक्शन लेने के लिए, लेकिन पथराव उल्टा टीम पर ही कर दिया गया। माफिया को रोक नहीं पाए, लेकिन प्रशासन चुप नहीं बैठा। प्रशासन अगले दिन पहुंचता है, बुलडोजर कार्रवाई करता है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, उन्हीं रेत माफिया से जुड़ा हुआ यह अवैध निर्माण जो पथराव में शामिल रहे। बुलडोजर के साथ निगम का अमला पहुंचा, अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। सीधा संदेश देने की कोशिश के अपराधी बेलगाम बिल्कुल ना हो, बेखौफ बिल्कुल ना हो। जमीनी स्तर पर इस प्रकार की कार्रवाई का सिलसिला भी निरंतर जारी रहने वाला है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सीधा संदेश भी देती है, माफिया और अपराधियों पर नकेल कसने में कहीं भी कसर नहीं छोड़ती, और उसी का ये दृश्य समझाता भी है कि आने वाले समय में और ज्यादा सख्ती बढ़ने वाली है। सीधे निर्देश वरिष्ठ नेताओं की तरफ से भी होते हैं, अगर कहीं भी लापरवाही बढ़ती जा रही है इसी प्रकार से कार्रवाई। जैसे कि शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और शैलेंद्र विस्तार से जानकारी कार्रवाई को लेकर। मैं जो रेत माफिया है उसके खिलाफ कार्रवाई की है, बुलडोजर एक्शन जो है सीएम का वो नजर आया है, कानून व्यवस्था जो बिगाड़ने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बीते दो दिन पहले नायब तहसीलदार जो है वो कार्रवाई करने गई थी, और जब वापस लौट रही थी तो उन्होंने रेत माफिया की एक ट्रॉली पकड़ी थी, और जब वो अपने सहयोगी टीम के साथ वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के आ रही थी तो हमला किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति जो है वो घायल हुआ था, जिसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आज सुबह प्रशासन की टीम पुलिस के साथ पहुंची और जो आरोपी हैं दो उनके पक्के निर्माण जो है उनको ढहा दिया गया, बुलडोजर एक्शन लिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव को लेकर जानकारी, कल दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी दिल्ली जाने वाले हैं। कल की बैठक में मंत्रिमंडल के नाम पर मुहर लग सकती है, ये एक महत्वपूर्ण खबर है। दिग्गज नेताओं की भूमिका पर चर्चा होगी, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बने तो अब कौन सा प्रभार संभालेंगे प्रदेश में, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का क्या होगा, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल कौन सी जिम्मेदारी के साथ आप उन्हें मध्यप्रदेश में देखेंगे, विधायक गोपाल भार्गव, राकेश सिंह, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, तमाम ऐसे चेहरे जो कि बहुत प्रमुखता से संगठन के लिए काम करते हैं, सत्ता में भी रहे हैं।
लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए, क्या कैबिनेट में जगह मिलती है, ये एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा चर्चा का। कल डॉक्टर मोहन यादव का दिन।